शादी है। चलो ठीक ठीक लो भाई, यूट्यूब में यूट्यूब के बच्चे थोड़ा एक काम करेंगे, क्लास यूजफुल लग रही है, दो तीन काम है। या तो 100 रुपये क्या करेंगे, 100 रुपये के पोहा जलेबी खरीदेंगे, पोहा जलेबी ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये आप गरीबों में बांट देंगे, गरीबों में बांटो, दुकानदार का भी कम से कम कुछ पैसा वो उसको मिल जाएगा ना, ठीक है। ये पहला काम, ये नहीं करना है तो दूसरा काम क्या करना है, कम से कम 5 पौधे लगाओ। किसके, या तो जामुन के लगा दूँ, कहाँ पे लगाना, कहीं आसपास जो भी आपका जगह हो वहाँ लगाना जामुन के पौधे, या फिर आम के पौधे, या फिर नीम के पौधे, नीम का पौधा लगा देना। कौन सा, अगर ये भी नहीं करना, ये सब भी नहीं करना है, तो भैया मेरे को पेटीएम कर दो, मुझे पेटीएम कर दो, 888-992-00-33 आप लोगों की तरफ से मैं कर दूंगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना उसके लिए, कुछ नहीं, एंजॉय करो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, खत्म, बस यही कर दो, कुछ नहीं करना तो यही कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ठीक है। हाँ, कैपिटलाइजेशन मेथड, भैया कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, अब हमको मेन मतलब भी तो समझना है, फॉर्मूला तो ऐसे बन जाएगा, मतलब समझाऊंगा इसका आंसर बताता हूँ, समझा देना, समझा दो एक बार, समझाना क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ जी, चौबे जी की लस्सी थी, ठीक है। चौबे जी के पास हम जब गए थे तो हमने उनका क्या कहा था, कि भाई आपकी बैलेंस शीट में आपके एसेट हैं समथिंग कितने के, मांग चलो 26 लाख के एसेट हैं, 1 लाख की लाइबिलिटी है, तो आपका कैपिटल कितना हो रहा है, आपका कैपिटल लगा हुआ 25 लाख, यही बोला था। लस्सी की इंडस्ट्री में अपन ने कहते हैं परसेंटेज टर्म में कितना प्रॉफिट निकाला था, 20% मांगे चलो, मतलब लस्सी जो बेचते हैं ऑन एन एवरेज वो एक लस्सी पे 20% का मुनाफा कमाते हैं, ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हम लोग गए, हमने चौबे जी से कहा, चौबे जी ये 25 लाख रुपये हम आपको दे रहे हैं, आपका कैपिटल 25 लाख का है, आप 25 लाख रुपये रखो, हमारा आपको अपना जो बिजनेस है हमें दे दो। तो चौबे जी ने एक बात कही, ठीक है, चौबे जी की बात आ रही है, चौबे जी बोल रहे हैं बेटा एक बात बताओ, अगर आप, मैं कह रहा हूँ मेरी दुकान रहन दो, आप अपनी दुकान खोल लो, अपनी दुकान खोलो कितने से, 25 लाख से, ये बात क्लियर, आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि लस्सी में 20% का रिटर्न है, तो आप कितना कमाओगे, 5 लाख रुपये। अगर आप 25 लाख का 20% कितना होता है, 5 लाख होता है ना, हाँ 5 लाख ही तो होगा ना, 25 दूनी 50, अवैन 25 लाख का 20% होता है 5 लाख, मतलब चौबे जी बोल रहे हैं, आज बार चौबे जी बात कर रहे हैं अपन से, कि बेटा अगर 25 लाख लगाओगे तो आप 5 लाख कमा लोगे, ये नॉर्मली लस्सी के बिजनेस में ऐसा होता है। कहते हैं अगर आप मेरी दुकान खरीदते हो, अगर आप कहो कि मैंने 25 लाख लगाए, मैं चौबे जी हूँ, मैंने 25 लाख लगाए, लेकिन आपको पता है मैं 10 लाख रुपये कमाता हूँ, मेरे लगे 25 लाख है लेकिन मैं कमाता 10 लाख हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा नाम हो गया, क्या बात क्लियर है, मेरा नाम है तो लोग मेरे नाम से आते हैं, एक्स्ट्रा लोग आते हैं, यहाँ तक बात क्लियर। तो नॉर्मल इंटरेस्ट में परसेंट क्या चल रहा है, 20%, पर मैं कमाता हूँ 40%, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो सर यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड कहाँ क्या काम आ रहा है, मतलब यहाँ हो क्या रहा है, इसको सभी तक समझ में नहीं आया, मैंने आपको समझाया भी नहीं, अभी आपको क्या समझाया, कि अगर कोई नया नवेला आता है लस्सी के बिजनेस में, 20% का रिटर्न मिलेगा, 5 लाख कमाएगा, लेकिन चौबे जी उस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत समय से हैं, इसलिए वो 25 लाख लगा के भी कितना कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं। तो चौबे जी अब अपन से कह रहे हैं, अपन नए नवेले लोग हैं, अपन से कह रहे हैं बेटा एक काम करो, अगर आपको 10 लाख कमाना है, आप लोग क्यों मेरे बिजनेस खरीद रहे हो, आप लोग क्यों मेरे बिजनेस खरीद रहे हो, क्योंकि आप लोग को देख रहे हैं कि चौबे जी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो एक काम करो, मैं आप लोग को, आपका फायदा नहीं भैया, मेरी मेहनत की कमाई है, आपको 10 लाख कमाना है तो आप लोग को 10 लाख के बराबर पैसा लगाना पड़ेगा, क्या बात क्लियर है, आपको 10 लाख के बराबर पैसा लगाना पड़ेगा, आप मेरा बिजनेस ले दो। मतलब अगर मैं कहूँ 25 लाख लगा के 5 लाख कमाया जाता है, 5 लाख कमाया जाता है, तो अगर हमें 10 लाख कमाना है तो हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 50 लाख, इतना तो अपना फिलहाल में क्लियर हो रहा है, ठीक है।
अपन को लगाना पड़ेगा 50 लाख। चौबे जी बोल रहे हैं 50 लाख दे दो मेरा बिजनेस के चले जाओ। यहाँ तक बात क्लियर? तो यहाँ पे मैं 50 लाख में 25 लाख अपना कैपिटल ले रहा हूँ प्लस 25 लाख अपना क्या ले रहा हूँ, गुडविल का पैसा ले रहा हूँ। तो ये क्या है, ये है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। जितना पैसा बिजनेस चालू करने में लगना चाहिए हम तो आपसे उतना पैसा ले रहे हैं, उसमें हमारा कैपिटल भी इंक्लूड है प्लस हमारी गुडविल भी इंक्लूड है। मतलब अल्टीमेटली हम आपको कुछ फायदा होने नहीं दे रहे हैं, बनी सी बात क्यों होने दे भाई। मैं अपना लॉस कर रहा हूँ ना, मैं अपना बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपने गुडविल का पैसा लूँगा मोबाइल बनकर। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ। अच्छा अब भैया इसके अंदर हम फॉर्मूला कैसे बनाएं? बात यही होती है, समझ में तो आ गया, अब हमको अल्टीमेटली फॉर्मूला देखना है कि आपने ये 25 लाख निकाला कैसे। क्या बात क्लियर है? तो हमने लिखा गुडविल इक्वल टू, अच्छा ये 50 लाख निकला, वो ये 25 लाख निकला कैसे? मैंने गुडविल का जो 25 लाख निकाला कैसे निकाला, 50 लाख माइनस 25 लाख किया, इस 50 लाख में से कैपिटल लेस कर दिया। बात क्लियर? तो ये 25 लाख क्या है, ये 25 लाख क्या है, मैंने जो पैसा लगाया तो ये मेरा, अरे यार उसमें पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ देखते हैं। गुडविल कैसे निकाला, 25 लाख, मैंने जो 50 लाख लगाया उसमें से 25 लाख जो, सॉरी मेरे जो बिजनेस की कीमत है, आज ये मेरे बिजनेस की कीमत है। क्या बात क्लियर हो रही है? मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम है। अगर आप लोग जाओगे तो आपको 50 लाख लगाना पड़ेगा, तो ये मेरी बिजनेस की कीमत है। अगर आपको 10 लाख कमाना है तो आपको 50 लाख लगाने पड़ेंगे, ये मेरी बिजनेस की कीमत है, और ये मैंने जो पैसा लगाया वो है। तो ये क्या है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। चौबे जी ने इतना एग्जैक्टली पैसा लगाया है, ये क्या बोला मैंने, ये इस बिजनेस की वैल्यू है, ये इस बिजनेस की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या यहाँ तक बात क्लियर? तो आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या आया, गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला है इसका वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां तक बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते आता है भैया, ये वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे ये बता दो, क्यों अभी तो आपने निकाला था, अभी तो आपने निकाला था। ठीक है, अच्छा 5 लाख रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20% भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बंद। 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो 20% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 5 लाख क्या था आपका, ये आपका एवरेज प्रॉफिट था। ठीक है, अगर आप एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो ये आपको क्या आएगा पता है, ये आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी, ये आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी। भैया बताओ जरा करके, एवरेज प्रॉफिट क्या है, 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%, तो आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आएगी, 50 लाख। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ। पक्का? ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का ना एक और नाम है, हमने बैलेंस शीट में टोटल एसेट में से अदर लाइबिलिटी को क्या कहते हैं, लेस कर दिया, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आया था। टोटल एसेट में से अदर लाइबिलिटी लेस करें तो इसको मैं नेट एसेट लिख सकता हूँ क्या, नेट एसेट लिख सकते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि एसेट की वैल्यू बच रही है, वही तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन रही है। याद है बात क्लियर? इसलिए मैं इसका एक और नाम लिख दे रहा नेट एसेट। कोई दिक्कत? पक्का सब क्लियर है? ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया भैया किसका, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड यूजिंग एवरेज प्रॉफिट। भैया एक और है क्या, याद करो फॉर्मूला लिखवाए थे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड यूजिंग सुपर प्रॉफिट भी था।
याद आ रहा है आपने फॉर्मूला लिखा था वाला? ठीक है, ये वाला करो, इसका फिर सुपर प्रॉफिट भी कर लेंगे। इसका सुपर प्रॉफिट बचे, चैप्टर खत्म है, बहुत रद्दी है। ठीक है, फटाफट ये फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो फटाफट। क्या कर रहा है तू? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल दिया है 16 लाख। टोटल कैपिटल दिया कितना? 16 लाख। बता मैं इसके बाद क्या दिया है प्राची, क्या नाम है? मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। ठीक है, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 2 लाख रुपीज। फिर दर्द हो गया, नहीं नहीं खत्म करा दें। इतना दिया है काम, इतना डाटा दिया है, आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दिया मतलब यूजिंग एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। हाँ ना, पतली हो गया ना अभी अभी। देखो इसको पतली बताओ, अरे चलो ठीक है, उसको भी ले लेंगे। यहाँ यहाँ देखो जल्दी से, गुडविल कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ बिजनेस को मैंने क्या कहा? एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, माइनस कर दो क्या? नेट एसेट, यही बोला है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। नेट एसेट, अरे नेट एसेट तो दिए नहीं है। नेट एसेट मतलब टोटल कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 16 लाख। ठीक है, 2 लाख डिवाइड बाय 10% कितना होता है? 20 लाख माइनस 16 लाख, अल्टीमेटली 4 लाख आपका क्या आ गया? गुडविल आ गया। खत्म। रद्दी है, बहुत रद्दी है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नेट एसेट के लिए आपको डाटा दे देंगे, वो कर लो। एवरेज प्रॉफिट निकालना हो ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोल देंगे, वो निकाल लेना। खत्म, इतना रद्दी है। ठीक है, दूसरा भी देख लो, फिर होमवर्क ले लो, मैं दूसरा समझाऊँ डेरिवेटिव कैसे आया कि सिंपल आपका फॉर्मूला बता दूँ। फॉर्मूला कर लो, रद्दी है। ठीक है, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड यूजिंग सुपर प्रॉफिट। कुछ नहीं करना है बेटा, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इतना सा आपका फॉर्मूला है। कैसे आया ये नहीं बता रहा, ज़्यादा होता इसके लिए वीडियो यूट्यूब में डाल दूंगा बना के अलग से, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको कभी समझने की। बस बस सुपर प्रॉफिट कर देना, और कैपिटल एम्प्लॉयड से लेस नहीं करना, सिंपल। हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस होके आया हुआ है, वो मैं डेरिवेटिव नहीं बता रहा अभी, सिंपल आप समझ लो, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। इसके अंदर क्या होगा, जो सुपर प्रॉफिट इसके अंदर आपसे बोले वो उसके थ्रू निकाल देना। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालते आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, क्लास यहीं पर ख़त्म। आप लोग घर में क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं बनता तो फिर बताओ, फिर अपन देखेंगे आगे। कल स्कूल जा रहे हो? चले जाओ, तुम्हारा 25 है वो है ना, क्यों चलो ठीक। लो भाई यूट्यूब में, यूट्यूब के बच्चे थोड़ा एक काम करेंगे, क्लास यूजफुल लग रही है, 2-3 काम है। या तो 100 रुपये क्या करेंगे, 100 रुपये के पोहा जलेबी खरीदेंगे, पोहा जलेबी। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये आप गरीबों में बांट देंगे, गरीबों में बांटो। दुकानदार का भी कम से कम कुछ पैसा वो उसको मिल जाएगा ना। ठीक है, ये पहला काम, ये नहीं करना है तो दूसरा काम क्या करना है, कम से कम 5 पौधे लगाओ। किसके? या तो जामुन के लगा दूँ, कहाँ पे लगाना, कहीं आसपास जो भी आपका जगह हो वहाँ लगाना है जामुन के पौधे, या फिर आम के पौधे, या फिर नीम का पौधा लगा देना। कौन सा? अगर ये भी नहीं करना, ये सब भी नहीं करना है, तो भैया मेरे को पेटीएम कर दो, मुझे पेटीएम कर दो, 888-992-00-33 आप लोगों की तरफ से मैं कर दूंगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना उसके लिए, कुछ नहीं, एंजॉय करो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, खत्म। बस यही कर दो, कुछ नहीं करना तो यही कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। ठीक है, हाँ, टाटा बाय बाय, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं अपन लोग।